बीएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का इन ऑनलाइन क्लासेस में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, हम जूलॉजी के नए साल में प्रवेश आपने किया है, तो अभी जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, उसके पेपर, ये सब हम आपको इस प्रथम वीडियो में इसके बारे में अवगत करवाने जा रहे हैं। तो देखिए बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर, जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जूलॉजी जो है इसको टू फॉर्म में डिवाइड किया गया है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। स्टूडेंट ये 50 मार्क्स का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। आप जानते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग पास होना है, और थ्योरी में पास होने के लिए आपको 36% मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल में भी 36% मार्क्स, राइट। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के जो नंबर हैं वो आपके परसेंटेज में जुड़ते हैं और पर परसेंटेज में ऐड होते हैं, राइट। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट कि थ्योरी है, इसके 3 पेपर हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर में। कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। पहला पेपर है कोर डेटा। इस पेपर में हम कोरडेट्स एनिमल्स की स्ट्रक्चर और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यह पेपर जो है वो 33 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं इसको पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी। यह आपका सेकंड पेपर होगा और यह 33 मार्क्स का होगा। थर्ड पेपर आपका है इकोनॉमिक जूलॉजी इथोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आर्थिक जंतु विज्ञान व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी। ये जो थर्ड पेपर है ये 34 मार्क्स का होगा। इस प्रकार फर्स्ट पेपर 33,
सेकंड 33, फोर्थ 34, टोटल मार्क्स हो गए 100। चाहिए कितने मिनिमम पास होने के लिए, मिनिमम पास होने के लिए 36 मार्क्स रिक्वायर होते हैं, राइट। हाँ तो स्टूडेंट, हम आपके ये जो तीनों पेपर हैं, इनकी जो थर्ड बुक है, आपका थर्ड पेपर है, उसकी बायोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बायोस्टैटिक्स जो थर्ड यूनिट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। हाँ तो ध्यान से देखिएगा, थर्ड यूनिट में हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। इस लेसन में हम पढ़ेंगे, ये जो यूनिट है इसमें समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ेंगे हम, लेकिन वो लेसन अलग होगा। पहला हमारा टॉपिक है समानांतर माध्य। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको समानांतर माध्य के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। देखिए, हमने छोटी क्लासों में औसत के बारे में पढ़ा है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो उसी प्रकार से ये समानांतर माध्य है कि राशियों, जो भी हमारे पास डेटा है, उनका टोटल, उनका योग तथा उनकी जो टोटल संख्या है उसको उसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा समानांतर माध्य जो मान है वो आएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, आंकड़ों के न्यूनतम एवं अधिकतम मानों के अधिकतम मानों के लगभग आंकड़ों के न्यूनतम एवं अधिकतम मानों के लगभग मध्य में औसत का मान लगभग मध्य में औसत का मान सुनिश्चित करता है। इसी को समानांतर माध्य कहते हैं। किसे कहते हैं? आंकड़ों के न्यूनतम एवं अधिकतम मानों के लगभग मध्य में औसत का मान सुनिश्चित करता है, इसी को समानांतर माध्य कहते हैं। देखिएगा, इसको समानांतर माध्य को हम एक्स बार से इससे प्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब होगा समानांतर माध्य। तो इस डेफिनेशन के अनुसार ये जो मान है, ये देखिएगा, इसका मतलब है समांतर माध्य। बराबर मदों के मूल्यों का योग
मदों के मूल्यों का योग बटे मदों के मूल्यों का योग बटे मदों की संख्या मदों की संख्या मदों के मूल्यों का योग बटे मदों की संख्या अर्थात समेशन एक्स बटे समेशन एन। यहां पर देखिएगा, यहां चूंकि यहां एक्स बार बराबर क्या है, समांतर माध्य है, समेशन एक्स बराबर क्या है, मदों का कुल योग, मदों का कुल योग तथा एन बराबर मदों की कुल संख्या राइट। इसके बाद देखिएगा दोस्तों कि हम पढ़ेंगे समानांतर माध्य जो है इसकी हम तीन सीरीज पढ़ेंगे, तीन श्रेणियों में इसका हम अध्ययन करेंगे और वो पहली श्रेणी जो है उसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज। इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी जो है इसके अंतर्गत हमें सीधे डाटा दिए हुए मिलेंगे, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं मिलेगी, मतलब बारंबारता दी हुई नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला यही है जो आपने अभी पढ़ा है, समेशन एक्स बटे समेशन बटे एन। ये इंडिविजुअल सीरीज का क्या है, फॉर्मूला है। और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सीधे डाटा का अध्ययन किया जाता है, उसमें बारंबारता दी हुई नहीं मिलती है। तो अभी आपने लिखा है हर जगह, जब भी आप इसके अंदर क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला बता के इसमें कौन सी चीज क्या है वो चीज अवश्य एग्जाम में आपको प्रेजेंट करनी है, अन्यथा यदि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको ये फॉर्मूला लिखना है और फिर यहां पर चूंकि लगा करके क्या करना है, ये इसका मतलब क्या है, समांतर माध्य, इसका मतलब मदों का कुल योग, n बराबर मदों की कुल संख्या राइट। अब देखिएगा हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल हम कैसे करें। तो देखिए 10 मरीज हैं, एग्जाम्पल क्या है, 10 मरीज हैं,
और उसके बीपी का, उनके बीपी का मान दिया हुआ है, उनके बीपी का मान दिया गया है, तो उनका समान बीपी का समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए पेशेंट कितने हैं, 10 है, तो 1 नंबर ऑफ पेशेंट मरीजों की संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। बीपी ब्लड प्रेशर कितनी है, एमएमएसजी में मिलेगी ये, पहले की कितनी है 70, दूसरे की 80, तीसरे के लिए 90, दो बार 90, फिर 80 हो गया, फिर 100, फिर 100, फिर 70, 80 और 90। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई, मरीजों की संख्या टोटल कितनी है, ये सीरियल नंबर है, तो टोटल मरीज कितने हैं, n बराबर 10, और बीपी का मान टोटल कितना है, इसको ऐड करेंगे तो समेशन x बराबर कितना होगा 850। ये मान किसका है, x का मान है ये, और इनका ऐड अगर हम कर देंगे, इसको सम कर देंगे, इनका जोड़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा समेशन एक्स, समेशन का मतलब ही टोटल जोड़ है, 850, एन बराबर कितना आ गया 10, अगर एन बराबर 10 आ गया तो यहां पर इसको फॉर्मूले में लगा दीजिएगा आप लोग कि समानांतर माध्य बराबर 850 बटे 10, जीरो से जीरो गया, 85 mmHg जो बीपी है वो उसका समानांतर माध्य होगा, राइट। ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, कौन सी श्रेणी पढ़ेंगे, ये है इंडिविजुअल सीरीज फर्स्ट सीरीज, हम तीन सीरीज पढ़ेंगे समानांतर माध्य में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला समेशन एक्स बटे एन, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं होती है, राइट। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज जो है, इस सीरीज के अंदर हम ऐसे डाटा का अध्ययन करेंगे जिसके अंदर अक्ष का मान, मदों का मान भी दिया होगा और साथ में उसके बारंबारता या फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी। ऐसे ही जो डाटा है उनके लिए, उनके माध्य निकालने के लिए हम डिस्क्रीट सीरीज जो है उसकी हेल्प लेते हैं और उसकी मदद से हम समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं। देखिएगा इधर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल है हमारा
कि x का मान जो दिया गया है, देखिएगा x का मान यहां पर दिया हुआ है और इधर f का मान, राइट, x का मान देखिएगा 140, 140, 170, 100, 120, 180, 130, 110, 150, 160 और 190. इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 5, 10, 2, 3, 5, 4, 3, 2, राइट. अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी टोटल समेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा, समेशन एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2, 4, 5, 10, 2, 3, 5, 4, 3, 2, मींस ये 140 है ये 2 टाइम हो रहा है, 170 है ये 4 टाइम हो रहा है, 100 है ये 5 टाइम हो रहा है. इसका मतलब f जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल ऐड क्या होगा, समेशन f बराबर कितना हो जाएगा, 40, और समेशन x बराबर क्या हो जाएगा, समेशन x का मान क्या हो जाएगा, 5420. कितना हो जाएगा, 5420. तो देखिएगा f का मान क्या हुआ, 40, x का मान क्या हुआ, 5420. तो देखिएगा इसके आगे देखिए, इसको हम क्या कर देंगे, हमें चाहिए क्या, समेशन एफ एक्स चाहिए हमें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स, एफ एक्स निकालेंगे तो 140 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 280. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 680, राइट. इन दोनों को करेंगे 500, इनको करेंगे ये आ गया, ठीक है. अब 130 और 3 वाले को करेंगे ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा. और समेशन एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, समेशन एफ या एन एक ही बात है, कितना हो जाएगा, 5420. कितना हो गया, 5420. अब देखिएगा विद्यार्थियों कि ये जो फॉर्मूला है ये लिख दो, या फिर आप इसके स्थान पर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एक ही बात है, समानांतर बाध्य बराबर समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, या यहां पर भी समेशन एफ आप लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि ये टोटल नंबर, समेशन एफ भी एक ही बात है, क्योंकि समेशन एफ का मतलब भी टोटल नंबर है, ठीक है. अब देखिए समेशन एफ एक्स का मान कितना आ गया, इनको आपस में काट दो आप, जीरो से जीरो गया, और फिर चार को इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, इसका मान आ जाएगा 135.5 mmHg, ये इसका आंसर आ गया. तो ये क्या था, ये थी डिस्क्रीट सीरीज, राइट. डिस्क्रीट सीरीज के बाद हम आगे वाली जो सीरीज पढ़ेंगे उस सीरीज का नाम है कंटिन्यूअस सीरीज.
सतत श्रेणी, इस श्रेणी के अंदर, इस श्रेणी के द्वारा हम जो माध्य ज्ञात कर रहे हैं इसके अंतर्गत क्लास इंटरवेल जिन भी डाटाओं में दिए होंगे उन डाटाओं का समान का जो माध्य है वो हम कंटिन्यूस सीरीज द्वारा निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला सेम वही होगा जो आप लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं हम। एक्स, एक्स का मान है 60 से 70। अगर इस तरीके से क्लास इंटरवेल अगर दी हुई है तो हम कंटिन्यूस सीरीज का यूज करेंगे, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, और 150 से 160। इसके अंतर्गत जो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या दी हुई है, देखिए क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 2। तो सबसे पहले तो देखिए ये तो है क्लास इंटरवेल, इसके अंतर्गत देखिए आप लोगों को ये मध है तो इसकी मिड पॉइंट निकालेंगे आप लोग, मिड पॉइंट के लिए अक्ष का मान आ जाएगा, मिड पॉइंट निकालेंगे तो किसका मान आ जाएगा, अक्ष का मान आ जाएगा dx, और फॉर्मूले में समेशन एफ dx बटे समेशन एफ dx। ध्यान दीजिए मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 60 से 70 के बीच का मान है तो 60 प्लस 70 बटे 2 कितना आ जाएगा, 65। तो पहले का मान कितना आ गया, 65। सेकंड का कैसे निकालेंगे, 70 प्लस 80 बटे 2 बराबर 75। तो इसका क्या आ गया, 75। इसका क्या आ जाएगा, 85। इसका 95। इसका 105। इसका 115। इसका 125। इसका 135। इसका 145। इसका 155। हो गया, अब कर दो एफ डी एक्स, क्योंकि हमें चाहिए क्या, समेशन एफ डी एक्स चाहिए, तो एफ डी एक्स कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पहले का एफ डी एक्स क्या आएगा, 260। दूसरे का 375। चौथे का 425। फिर 380। फिर 315। फिर 345। फिर 125। फिर 135। फिर 290। फिर 310। तो देखिएगा एफ का मान कितना रहा है, इनका ऐड कर दो ना, 30। तो ये क्या है, 30 किसका मान है, समेशन एफ या एन बराबर क्या है, 30। और समेशन एफ डी एक्स बराबर इसका जोड़ क्या है, 2960। कितना है इसका जोड़, 2960 बटे 30। अब इसका मान यहां रख दो, समेशन एफ डी एक्स का मान कितना है, 2960 बटे समेशन एन का मान कितना है, 30। जीरो से जीरो गया, इसको काट के
समानांतर माध्य का आंसर क्या आ जाएगा? 98.86। ये इसका आंसर होगा। ये थी कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, तो देखिएगा मीन की जो है समानांतर माध्य है, इसकी तीन सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीनों सीरीज जो हैं के विद एग्जांपल आपने यहां देखे हैं, ठीक है। ओके, हाँ, तो इसके बाद समानांतर माध्य का एक और मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि। कौन सा? पद विचलन विधि। इसकी हम स्टडी करेंगे। इसके लिए देखेगा समानांतर माध्य गुणा ये जो ए जो है ये कल्पित माध्य, समानांतर माध्य गुणा कल्पित माध्य बराबर समेशन एफ डी डेस बटे एन गुणा सी, ये इसका फॉर्मूला होगा। और इसमें कौन सा क्या है ये उसी फॉर्मूले के अनुसार आगे सब प्रेजेंट किया गया है। और ये हमारा एग्जाम्पल है, देखेगा अंक दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इसके बाद हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एम निकाल लेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या जाएगा इसका? 5, इसका 15, इसका 25, 35 और 45 निकाल लिया। अब मिड पॉइंट निकालने के बाद डी, डी निकालेंगे। तो डी का मतलब क्या है? हमने इसमें कल्पित माध्य क्या माना है भाई? इसमें हमने कल्पित माध्य क्या माना है? कोई भी मान, मान लो हमने ये मान इसका कल्पित माध्य मान लिया 35। क्या मान लिया? 35। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए। डी बराबर एम माइनस ए। एम माइनस ए, ए कितना मान लिया हमने? 35। तो 35 को माइनस कर दो एक्स में से, एम में से। तो 5 माइनस 35 बराबर माइनस के 30, ये माइनस के 15, ये माइनस के 10, ये 0 और ये क्या आ जाएंगे? प्लस के कितने आ जाएंगे? 10। इतना मान निकाल लिया। इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? एफ एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? एफ एक्स कर देंगे। एफ एक्स करेंगे तो क्या होगा भाई? एफ को इससे गुणा कर दो, सॉरी डी डेस निकालेंगे हम। डी डेस, डी डेस का मतलब क्या है? ये जो संख्या आ गई इसमें 10 का भाग दे देंगे। डी डेस का मतलब क्या है? जो संख्या आ गई उसमें हम सामान्य संख्या से भाग देने पर प्राप्त विचलन, सामान्य संख्या यहां पर क्या लेंगे हम? 10। 10 का भाग दे देंगे इसमें। 10 का भाग देके क्या निकाल लेंगे? ये मान निकाल लेंगे भाई हम। ये डी आ गया, ये डी डैश 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 3। ये माइनस, इसका मिड पॉइंट 15 और डी का मान 35 में से 15 आ गए तो माइनस के 20 आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे? f x का मान निकाल लेंगे। क्या जाएगा? f से गुणा कर दो इसको, डी डेस x क्या जाएगा? माइनस का 30, 12 दूनी 24, 20 माइनस के 20, 0, 10, देखो कितने हो गए, माइनस माइनस के 4, 74 और प्लस के कितने? 10 है।
तो किसके बच गए, माइनस के कितने बच गए, 64। माइनस के कितने बच गए, 64। अब ये माइनस के 64 बच गए, तो अब हम हमारा जो अगला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, एक्स समानांतर माध्य बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, ए गुणा क्या हो जाएगा, ए गुणा एफ डी डैश बटे एन गुणा में सी, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा तो कल्पित माध्य क्या माना हमने, 35, ए बराबर 35, 35 गुणा क्या है, एफ डी डैश कितना है, एफ डी डैश माइनस के 64, माइनस के 64 बटे एन कितना है भाई, एन 70 आ रहा है, इसका मान समेशन एफ या एन 70 और गुणा में सी, तो सी कितना, कितने का भाग दिया था, 10 का, तो ये 10। अब इसको सोल्व कर लो, 35 गुणा माइनस 64 तो कितने हो जाएंगे, माइनस 64 गुणा 10 तो कितने हो गए भाई, 35 ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो कितने हो जाएंगे, माइनस, इनको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 64 में 7 का भाग देंगे, 9.14, तो इसका मान क्या जाएगा, समानांतर माध्य बराबर 25.86, ये आ गया आंसर, राइट। देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बटे एन गुणा में सी, ठीक है। तो ये था स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद जो हम करेंगे कि समानांतर माध्य के लाभ और हानियां, क्या पढ़ेंगे, समानांतर माध्य के लाभ और इसकी हानियां, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्टैंडर्ड समानांतर माध्य। मेरिट्स ऑफ मीन, पहला मेरिट है सरल गणना, सरल गणना, गणना इसकी सरल कर सकते हैं हम। सेकंड पॉइंट है समझने में अति सुगम, समझने में अति सुगम। तीसरा पॉइंट देखिए, चरों के सभी मानों को बराबर महत्व, चौथा पॉइंट श्रेणी को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं। और पांचवा पॉइंट आंकड़ों के समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति परस्पर सस्पष्ट करते हैं, आंकड़ों के समूह है आंकड़ों के समूह है
केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति स्पष्ट स्पष्ट करते हैं, राइट। ये सभी इसके मेरिट्स हैं, सरल गणना, समझने में अति सुगम, चरों के सभी मानों को बराबर महत्व, श्रेणी को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आंकड़ों के समूह है, केंद्रीय प्रवृत्ति स्पष्ट करते हैं। इसके बाद इसके डीमेरिट्स, इसके बाद इसके डीमेरिट्स या दोष, दोष हैं, ये अवास्तविक हैं, नंबर एक ये अवास्तविक हैं, नंबर दो निरीक्षण से ज्ञात करना संभव नहीं, निरीक्षण से ज्ञात करना संभव नहीं, नंबर तीन सीमांत मूल्यों का मध्य पर सीधा प्रभाव, सीमांत मूल्यों का मध्य पर सीधा प्रभाव, ये इसके डिमेरिट्स हैं, ओके। इसके साथ ही ये मीन या समानांतर माध्य टॉपिक खत्म होता है हमारा। कल हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उससे हम आगे का स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।